हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन आरती जी टमाटर रेसिपी। तो आज हम स्टफ करेला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 500 ग्राम करेले को अच्छे से धो करके सुखा लिया है। अब हम इसके दोनों सिरे चक्कू की सहायता से इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए, मैंने सभी करेलों के दोनों सिरे हटा लिए हैं। अब हम पीलर की हेल्प से इसका पतली पतली लेयर जो है वो हटा लेंगे। आप चाहें तो चक्कू की सहायता से भी इसे हटा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मोटा छिलका इसका नहीं उतारना है। इस तरह से हम इसका बारीक बारीक इसका लेयर हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों के छिलकों को हटा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको सारे करेलों के छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसमें बीच में एक चीरा लगाएंगे स्टफ भरने के लिए। तो ये मैंने इसका चीरा लगा लिया है। अब हम इसके अंदर का गुदा बीज जो है वो हम चक्कू की सहायता से या हाथ की सहायता से निकाल लेंगे। ये मैं चक्कू और हाथ दोनों की सहायता से मैं आपको निकालना बताऊँगी। ये मैंने चक्कू से इसका गुदा निकाला है। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब हम हाथ की सहायता से भी बहुत ही आसानी से इसका अंदर के बीज जो हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से इसका सारे बीज इसके बाहर निकाल लूँगी। ये बीज हमें फेंकने नहीं हैं, इसको हम बारीक बारीक चॉप करके स्टफ में काम में लेंगे। ये हमारे लिए बहुत गुणकारी होते हैं। ये देखिए, मैंने सारे करेलों के बीज बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इन पे छिलके और करेले दोनों पे हम नमक डाल करके इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छिलकों में भी मैंने अच्छे से नमक को मिक्स कर दिया है और करेलों को हमें इस तरह से रब कर लेना है। थंब की सहायता से इसको इंटरनल भी हमको अच्छे से नमक लगाना है। इसी तरह से अपने सारे करेलों को नमक लगा लूँगी। कि मैंने सारे करेले और छिलकों में नमक लगा दिया है। एक घंटे बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। इन्होंने पानी छोड़ दिया है। नमक की वजह से इसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। देखिए, इन्होंने पानी छोड़ दिया है। छिलका भी हमारा जो है देखो कितना सॉफ्ट हो गया है, पानी इसमें से निकल रहा है। अब हमने अच्छे से धो कर के मैंने वॉश कर लिया है और अब हम एक तपेली में थोड़ा पानी चढ़ा करके इसमें करेलों को बॉईल करने के लिए डाल देंगे। मैं सारे करेले इसमें बॉईल आने के लिए डाल दूंगी। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का खड़ा खड़ा इसको रखना है। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है हमें। मैंने इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/4 चम्मच ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी ताकि इसका जो ग्रीन जो कलर है वो फीका ना पड़े। ये उबाल आ गया है। हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसमें पकाना है। ध्यान रखिएगा, इसे हमें बिल्कुल गलाना नहीं है। ये करेले हमारे पक गए हैं। ये देखिए, उनका कलर चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। अब हम इन्हें सुखाने के लिए पंखे या कूलर के सामने रख देंगे। अब हम स्टफ़ तैयार करेंगे। स्टफ़ के लिए मैंने छिलकों को धो करके अच्छे से निचोड़ लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, करेले के बीजों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, जीरा,
अमचूर, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम एक बड़ी चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब हम इसमें गर्म होने पे जीरा डाल देंगे, जीरा हमारा चटकने लगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन होने तक भुनेंगे, जलाना नहीं है हमें इसे। ये देखिए हमारा प्याज भुन गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे हम हल्का सा चला लेंगे। अब हम इसके अंदर छिलके और इसके जो बीज जिन्हें हम चॉप कर लिया था हमने, वो डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सारे मसाले मिलाएंगे। ये थोड़ा हमारा हल्का हल्का भुन गया है, तो इसमें मसाले हम डाल देते हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मिर्ची 1 चम्मच। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा जैसा भी आप खाते हैं। अमचूर मैंने 1/2 चम्मच लिया है, इससे इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। 1 मिनट के बाद ये मसाला हमारा भून करके तैयार हो गया है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल करके इस मसाले की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब हम इसे हमारे जो छिलके हमने सुखाने रखे थे उनके अंदर इस तरह से भर करके चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से इसे दबा करके हमें भर देना है। इसी तरह से हमें सारे करेले भरने हैं। ये देखिए अब हम इसको एक धागे की सहायता से हम इसका मुंह इसका बंद हो जाएगा, मसाला हमारा निकलेगा नहीं जब हम इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे तब। देखिए मैंने इसे अच्छे से धागे की सहायता से बांध दिया है। फिर इसे हमने सारे करेलों को बांध दिया है। उसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा ऑयल लेंगे। 1/2 चम्मच ऑयल मैंने लिया है, 1/2 बड़ा चम्मच। इसमें मैं अब सारे करेले डाल दूँगी। अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे करेलों को। अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। एक मिनट हो गया है। अब हम इसे चम्मच की सहायता से एक बार चला लेंगे। अब हम इसे फिर से एक बार ढक करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। तो ये देखिए करेले हमारे बनके तैयार हैं। एक बार इस तरह से करेला ज़रूर बनाएं, पूरी पराठा चपाती किसी के भी साथ खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाय।